ये आंदोलन इतना बड़ा शुरू हुआ हम लोगों का सीसैट और भारतीय भाषाओं के मसले को लेकर के, उस पर सरकार का रवैया बेहद नकारात्मक रहा। और जितनी उम्मीद हमें थी सरकार से कम भाषाई मुद्दों को सुलझाने की और अपनी समस्या को सुने जाने की, उस पर बहुत ही नकारात्मक रुख मिला है सरकार की ओर से। ये आंदोलन केवल 2-4-10 लोगों का नहीं है, ये आंदोलन पूरे भारत में फैला हुआ है। दिल्ली से, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से शुरू हुआ, दो दो बार यहाँ पे अनशन हुआ। 15 से 20 हज़ार लड़के 20-25 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। राजनाथ सिंह ने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दिया कि ये करेंगे। संसद में बयान दिया गया कि लड़के जितना डिमांड करें उससे, उस डिमांड से ज़्यादा लड़कों को दिया जाएगा। और बाद में सरकार ने एक धोखाधड़ी करते हुए इसको एक भाषाई विवाद केवल बना दिया और अंग्रेजी भाषा से, इस अंग्रेजी भाषा से हिंदी करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि साउथ इंडियन वाले लोग में और नॉर्थ इंडिया वाले लोग में विभेद पैदा करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान का शुक्र यह है कि ये विभेद सरकार पैदा करने में सफल नहीं हुई और आंदोलन आज भी जारी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो वर्तमान प्रणाली सीसेट जो प्रणाली है, यह भेदभावपूर्ण है। भेदभावपूर्ण इस तरीके से है कि सीसेट में एक तकनीकी पक्ष है और एक सामान्य पक्ष है। तकनीकी पक्ष वाले विद्यार्थियों को, जैसे आईआईटी वाले होते हैं, आईआईएम वाले होते हैं या एमबीए वाले होते हैं, इस तरह के बैकग्राउंड जो स्नातक करके आते हैं, इनको अनुचित लाभ मिलता है। और जो इतिहास, भूगोल, नागरिक या फिर ग्रामीण क्षेत्र जो पढ़ करके आते हैं या फिर जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आते हैं, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लोगों, सरकार का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सरकार ने पहले हमें आश्वासन दिया था, हम आपके साथ में न्याय करेंगे, लेकिन न्याय के नाम पर सरकार ने मतलब अहिंसक छात्रों पर लाठियाँ बरसाईं। यहाँ तक तो मतलब लड़कों की बात तो है, ठीक है, लाठी डंडा सह भी सकते हैं। हमारी छात्राएं थी, हमारी बहनें थी, उनके साथ में इतनी बेदर्दी से मारा गया है। संसद में हर पार्टीज़ हैं, तो हम सभी पार्टीज़ के मेंबर्स से ऐसी उम्मीद रखेंगे ही रखेंगे कि वो हमारे पक्ष में, हमारे मुद्दे को संजीदगी से लेते हुए, हमारे आंदोलन की आत्मा को समझते हुए हमारा साथ दें। और अगर वो संसद में पुरजोर विरोध करते हैं इस मुद्दे का और हमारे हक में समर्थन देते हैं, हमें हमारे हक में आवाज़ उठाते हैं, तो सत्ता पक्ष को उन चीज़ों को संज्ञान में लेना और उस पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी बन जाता है।